ये पकना शुरू हो गया। अभी गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई है तो अब ये पकना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी है और ढेर सारे टमाटर अभी मेरे बगीचे में पक रहे हैं। ये देखिए इनमें भी कलर आना शुरू हो गया है, ये टमाटर भी पकना शुरू हो गया है, वो देखिए ये भी पकना शुरू हो चुके हैं, इनमें भी कलर आ ही रहे हैं हल्के हल्के, तो ये भी बहुत जल्दी पक जाएंगे। ये एक टमाटर लाल लाल सा, ये भी अब बहुत जल्दी और लाल गहरा लाल हो जाएगा। तो ये मैंने कितने थोड़े से जगह में मिट्टी डाल करके लगाई हुई है, ये देखिए कितनी थोड़ी सी जगह में मैंने मिट्टी डाल रखी है और उसमें मैंने ये पौधे को उगाया हुआ है। वो एक करेले का भी पौधा निकल रहा है, तो थोड़े से जगह में ये कितने अच्छे से बढ़ जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे फल देने लगते हैं। बस थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी वाटरिंग, इनको काफ़ी काफ़ी खूबसूरत बना देता है। ये एक देखिए एक छोटे से टूटे हुए पॉट में मैंने, ये टूटे हुए गमले का एक हिस्सा इसमें मैंने लगा के रखा, और ये देखिए ये पौधा भी, ये पौधा बिल्कुल एक कोने में कहीं पे सूखा हुआ सा पड़ा हुआ था, मैंने इसे यहाँ ला कर के लगा दिया और अब ये देखिए ये कितना खिला खिला सा हो गया है। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बिल्कुल जान डाल सकती है किसी भी चीज़ में, बशर्ते कि आपको इनसे प्यार हो। ये देखिए गर्मियों में चांदनी के फूल बड़े मज़े में है, बड़े अच्छे से खिल रहे हैं। और ये देखिए सीड में रखे हुए मेरे पिटूनिया कितने प्यारे से खिले हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं इतनी गर्मी में। मई का महीना है, काफ़ी तेज़ गर्मी है और इसमें ये अभी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्यारा है। और ये मैंने डेंथस का एक पौधा लगा के रखा था, कटिंग करके लगाई थी, इसे रख दिया था मैंने गर्मियों में बचा के रखा था। तो ये देखिए मेरे डेंथस में भी कैसे फूल आने लगे हैं, और ये देखिए छोटे छोटे कलियाँ भी आने लगी, ये देखिए है ना, इनमें छोटे छोटे कलियाँ भी आने लगी हैं, यानी कि ये अभी और फ्लावरिंग करने वाली, ये देखिए देख रहे हैं, तो यानी कि इसमें अभी और फ्लावरिंग होने वाली है और इसको नया ग्रोथ मिल गया है, और नया ग्रोथ से इसमें फिर से कलियाँ आने लगी है और फिर से डेंथस का पौधा फ्लावरिंग करने लगा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। बस मैंने इसे इस पेड़ के शेड में रखा हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, बस इस पेड़ के शेड के नीचे मैंने इसे रख रखा है, और फिलहाल तो ये अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं, और शायद अब और ज़्यादा तेज़ गर्मी ये बर्दाश्त कर सके या ना सके, लेकिन अभी तक तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बड्स भी हैं इसमें, ये देखिए अभी बहुत सारी कलियाँ इनमें आ रही है, ये देखिए है ना, अभी ये कलियाँ इसमें अभी और हैं, यानी कि ये अभी और फ्लावरिंग करेंगे, ये देखिए। तो मुझे इंतज़ार रहेगा इनके और फ्लावरिंग का, और मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी जब मैं आपको इनके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए ये पौधा भी कितने अच्छे से गर्मियों में फ्लावरिंग कर रहा है, इनका लाल लाल ये रंग तो क्या गजब है, इतने चटक रंग है ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने कितने छोटे से एक पॉट में इसे लगा के रखा, ये देख रहे हैं, और ये इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और क्या चाहिए बताइए, और क्या चाहिए इनसे, इन्होंने तो अपना 100% दे दिया है मुझे है ना, खूबसूरत कितने अच्छे लग रहे हैं।
और ये आसमान में अभी तेज धूप है, सूरज बिल्कुल चमकदार बना हुआ है और मेरे सभी फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूँगी आज अक्षय तृतीया का बड़ा ही शुभ दिन है और मैं सभी अपने सभी फ्रेंड्स को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में खुशियाँ आए, बरकत आए, वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। और इसके साथ ही मैं आज अपना प्रोग्राम, अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ और टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय और अच्छे रहिएगा।